सूर्य अस्ताचल की ओर ढल चला था और अपनी सिंदूरी किरणों से गगनमंडल में लालिमा बिखेरता हुआ पश्चिम दिशा के पहाड़ी सौंदर्य में चार चांद लगा रहा था। वैसे पहाड़ी प्रदेश अपने आप में भी कम सुंदर नहीं था, पर सूर्य की किरणों से वह और भी आकर्षक लगने लगा था। सूर्य ढल जाने से उसकी तपन से तो लोगों को मुक्ति मिल गई थी, उनका शारीरिक संताप तो कम हो गया था, पर मानसिक पीड़ा से भी अभी भी परेशान थे, क्योंकि विषय कसाय व राग द्वेष में रचे पचे विभिन्न रुचियों वाले व्यक्तियों के एक साथ उठने बैठने और साथ साथ रहने से पारिवारिक परिवेश में पैदा हुई कसायों के कारण मनस्ताप हुए बिना नहीं रहता। जिस प्रकार दो पत्थरों के आपस में टकराने से चिंगारियां निकलना स्वाभाविक हैं, उसी प्रकार जब दो व्यक्तियों के स्वार्थ और कसाएं टकराती हैं तो राग द्वेष की चिंगारियां निकलना भी स्वाभाविक ही है, जो कि मनस्ताप की जन्मदात्री है। परिवार के बीच आखिर कोई कब तक मुंह पर मुसीका लगाए, मुंह बंद किए मौन से बैठा रह सकता है? यदि कोई चुप रहने की कोशिश करे भी तो वह भी तो उसकी नाराजगी का ही प्रतीक बन जाता है। अतः पारिवारिक जनों के बीच में व्यक्तियों का बोलना जरूरी भी है और मजबूरी भी। जब एक स्थान पर रखे अचेतन बर्तन भी टकराने पर बिना बजे नहीं रह सकते, तो सचेतन प्राणी बिना बोले कैसे रह सकते हैं? अतः बातें होना भी स्वाभाविक है और बातों बातों में बात का बढ़ जाना भी अस्वाभाविक नहीं है। कभी कभी तो अनचाही बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि लोग मैं तू तू पर उतर आते हैं, पुरखों तक पहुँच जाते हैं, और फिर कसाय का चक्र इतनी तेजी से घूमता है कि ना तो किसी को अपने छोटे बड़ों का ही ध्यान रहता है और ना किसी की मान मर्यादा की परवाह ही। बस कुशल यह समझिए कि वे हाथापाई पर नहीं उतरते, अन्यथा वह भी असंभव नहीं है। ऐसे प्रसंग एक बार नहीं दिन भर में अनेक बार बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि परिस्थितियों की पराधीनता, विषयों का अनुराग व मोह की मार उन्हें बारंबार समझौता करने को बाध्य करते रहते हैं। अतः समझौता भी होता रहता है और बोलचाल भी चालू हो जाती है। इस तथ्य से इतना आश्वस्त तो हुआ ही जा सकता है कि ये लड़ाइयाँ लंबी चलने वाली लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती हैं, पर इस कसमकस से भी तो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, भले ही थोड़ी देर को ही सही। इसलिए शाम होते ही सभी सेवानिवृत्त और वृद्ध व्यक्ति अपनी अपनी मित्र मंडली के साथ और प्रौढ़वा युवक अपने अपने परिवारों के साथ सैर सपाटे के लिए बाग बगीचों की ओर चल पड़ते। उस दिन भी एक पंथ दो काज की उक्ति को चरितार्थ करते हुए प्रायः सभी लोग उस पहाड़ी की सौंदर्य छटा देखने के लिए निकल पड़े थे। मेरे लिए वह स्थान एकदम नया था, अतः मैं भी उस पहाड़ी के सौंदर्य की अनुपम छटा देखने का लोभ संवरण नहीं कर सका। इस कारण कोई साथी ना मिलने पर भी मैं अकेला ही उस उपवन में जा पहुंचा, जहां से वह सूर्यास्त का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था। 5-7 मिनट में ही उस दृश्य को देखकर मैं उस सुरम उपवन के चिंतन मनन और ध्यान करने योग्य शांत और एकांत जगह देखकर एक स्थान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में दो वृद्ध व्यक्ति भी वहां आ पहुंचे और मुझसे केवल 10 कदम की दूरी पर हरी भरी दूब देख जमीन पर ही पैर पसार कर बैठ गए और कोसने लगे जमाने को। कभी महंगाई का रोना रोते तो कभी वर्तमान शिक्षा के दोषों पर दो दो आंसू बहाते, कभी नेताओं की शिथिलाचार पर चर्चा करते तो कभी नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर आग बबूला होकर उनकी माँ बहन और बेटी से सीधा संपर्क करके अपनी जुबान को गंदा करने लगते, कभी अपने घर की दास्तान छेड़ देते तो कभी घर घर की कहानियां लेकर बैठ जाते। इस तरह मुझे ऐसा लगा कि संभवतः वे लोग प्रतिदिन इसी तरह की बेबुनियाद बातों में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत किया करते होंगे। उस दिन भी घर बाहर राजकाज और अड़ोसी पड़ोसी की गुण दोष ही उनकी बातचीत और शोध खोज के विषय बने हुए थे। मानो उनके पास इसके सिवाय करने के लिए
अन्य कुछ काम ही नहीं था। विचार विमर्श व बातें करने के लिए अन्य कोई विषय ही नहीं था। भला जिनके पैर कब्र में लटके हों, जिनको यमराज का बुलावा आ गया हो, जिनके सिर के सफ़ेद बाल मृत्यु का संदेश लेकर आ धमके हों, जिनके अंग अंग ने जवाब दे दिया हो, जो केवल कुछ ही दिनों के मेहमान रह गए हों, परिजन पुरजन भी जिनकी चिरविदाई की मानसिकता बना चुके हों, अपनी अंतिम विदाई के इन महत्वपूर्ण क्षणों में भी क्या उन्हें अपने परलोक के विषय में विचार करने की बजाय इन व्यर्थ की बातों के लिए समय है? यह सोच सोच कर मेरा मन व्यथित होने लगा। मेरा तत्व चिंतन और आत्मा परमात्मा का ध्यान करने का विचार तो एक ओर धरा रह गया, मेरे मन में नाना विकल्प उठने लगे। आखिर कैसे समझाया जाए इन वृद्धजनों को कि तुम अपना अमूल्य समय इन व्यर्थ की बातों में बर्बाद क्यों कर रहे हो? पहाड़ से अपना माथा क्यों मार रहे हो? इन बातों से दुनिया में तो कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं, तुम्हारा ही मनुष्य भव बिगड़ जाएगा। क्या तुम्हारे ये सारे विकल्प निरर्थक नहीं है? यहां बैठकर इन बातों से क्या सार निकलने वाला है? यह तो ऐसा अरण रुदन है जिसे पशु पक्षी और जंगल के जानवरों के सिवाय और कोई नहीं सुनता। यह ना केवल समय की बर्बादी है, बल्कि इन बातों में आर्त रौद्र रूप खोटा ध्यान होने से ये बातें कुगति की कारण भी हैं। वैसे भी सभी का यह कर्तव्य है कि वे ज्ञाता दस्ता रहें, क्योंकि सभी को शांत व सुखी होना है, आनंद से रहना है। पर वृद्ध जनों का तो अब एकमात्र यही मुख्य कर्तव्य रह गया है कि जो भी हो रहा है वे उसके केवल ज्ञाता दस्ता रहें, उसमें रुचि ना लें, राग द्वेष ना करें, क्योंकि वृद्धजन यदि अब भी सच्चे सुख का उपाय नहीं अपनाएंगे तो कब अपनाएंगे? फिर उन्हें यह स्वर्ण अवसर कब मिलेगा? उनका तो अपने अगले जन्म जन्मांतरों के बारे में विचार करने का समय आ ही गया है, वे उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? इस जीवन को सुखी बनाने और जगत को सुधारने में उन्होंने अब तक क्या कुछ नहीं किया? बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों अवस्थाएं इसी उधेड़ बुन में ही तो बिताई हैं। पर हुआ क्या? जो कुछ किया वे सब रेत के घरौंदे ही तो साबित हुए, जो बनाते बनाते ही ढह गए और हम बस हाथ मलते रह गए। फिर भी इन सबसे वैराग्य क्यों नहीं आया? यही विचार करते करते मेरा पूरा एक घंटा कब कैसे बीत गया, वे लोग कब उठकर चले गए कुछ पता ही नहीं लगा। मैं उनसे कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। मन की बात मन में संजोए मैं अपने निवास पर लौट आया।